Good morning, class 7. Today we will discuss our chapter number 2 of civics, the role of government in health. स्वास्थ्य में सरकार हमारी किस प्रकार मदद करती है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी शुड डिस्कस आवर ग्लोसरी ऑल्सो. द फर्स्ट वन इज पब्लिक. एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज मीन फॉर ऑल पीपल इन द कंट्री एंड इज मेनली ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट. जो भी फैसिलिटीज सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों को दी जाती है उन्हें हम पब्लिक बोलते हैं. दिस इंक्लूड स्कूल्स, जैसे सरकारी स्कूल जो आप पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा. पीपल कैन डिमांड दीज सर्विसेज एंड ऑल्सो रेज क्वेश्चंस अबाउट देयर नॉन फंक्शनिंग. अगर कोई भी संस्था कोई भी व्यक्ति सरकारी अगर हमारे लिए हमारे भले के लिए या हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करता तो हमारे पास उसके अगेंस्ट क्वेश्चन रेज करने की पूरी पूरी पावर होती है. गवर्नमेंट में अगर कोई भी संस्था हमारे प्रति काम नहीं करती तो हमारे पास सरकार के दरवाजे खटखटाने का पूरा अधिकार होता है. द सेकेंड वन इज़ प्राइवेट. एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज़ ऑर्गेनाइज बाई एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर देयर ओन प्रॉफिट. कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने फ़ायदे के लिए जब किसी कंपनी या किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइज करती है तो उसे हम प्राइवेट बोलते हैं. इसके आप दो एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं. जैसे कि कोई हॉस्पिटल लेते हैं हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो है पब्लिक का एग्जाम्पल जो सरकार द्वारा किया गया है स्टार्ट और लोगों को फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस पर वो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. और प्राइवेट का आपका एग्जांपल है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ पे मनमाने रेट लिए जाते हैं और आपसे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल टूरिस्ट. मेडिकल टूरिस्ट का मतलब टूरिस्ट मीन्स किसी दूसरे देश में या कहीं घूमने जाने को टूरिस्ट बोलते हैं. जो घूमने जाता है उसे टूरिस्ट बोलते हैं. सो मेडिकल टूरिस्ट मीन्स जब हम हमारे देश में किसी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं पर ऑनलाइन हम चेक करते हैं कि किसी दूसरी कंट्री में उसी चीज़ के इलाज के लिए बिल्कुल लोअर कॉस्ट पर अगर उसका इलाज हो सकता है तो जब हम उस दूसरी कंट्री में जाकर अपना इलाज करवाते हैं तो हम उस देश में मेडिकल टूरिस्ट होते हैं. दिस रेफर टू फॉरनर्स हु केम टू दिस कंट्री स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल दैट offer world class facilities at a lower cost than what they would have to pay in their own countries. अपने देश में ना करवा कर किसी दूसरे देश में अपना nominal charges में lower cost में अपना इलाज करवाना उसे ही medical tourist कहते हैं. Now जैसे मैंने आपको कहा था that डेली आई विल डिस्कस वन जनरल क्वेश्चन विद यू. आप लोग मुझे उसका कमेंट में ज़रूर आंसर लिख के बताएंगे. So my question is, which state of India started telemedicine facilities? Telemedicine facilities मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना का सब जगह प्रभाव है पर ऐसे भी कुछ मरीज़ हैं जो कोरोना से नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं जो दे आर सफरिंग फ्रॉम अनदर डिजीज़. तो उनको जब हॉस्पिटल जाना है तो उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वो हॉस्पिटल जा नहीं पाते इसलिए वो टेलीफोनिकली अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनसे दवाई पूछ सकते हैं, अपना इलाज फ़ोन पर ही करवा सकते हैं. उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है. तो वो कौन सा स्टेट है जिसने टेली मेडिसिन फैसिलिटी स्टार्ट की है इंडिया में सबसे पहले और उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे. नेक्स्ट हमारी ग्लोसरी है कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो वाटर फूड और एयर के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र करती हैं. दीज आर डिजीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस वन पर्सन टू अनदर इन मैनी वे सच एज थ्रू वाटर फूड एंड एयर. वाटर फूड एंड एयर के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन जब कोई डिजीज़ स्प्रेड होती है तो उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं. द लास्ट वन इज ओपीडी. ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. दिस इज़ वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन एंड थ्रेटन इन ए हॉस्पिटल विदाउट बींग एडमिटेड ट्रीटेड इन ए हॉस्पिटल विदाउट बींग एडमिटेड टू एनी स्पेशल वार्ड. किसी स्पेशल वार्ड में ले जाने से पहले जब जो कोई भी पेशेंट आता है किसी हॉस्पिटल में जब उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है दिस इज़ वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन एन ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल. जहाँ उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे ही हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट
कहते हैं। ये एक वो स्पेशल वार्ड है जहाँ पर जो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट को फर्स्ट ट्रीटमेंट जहाँ दिया जाता है वही उसका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। थैंक यू।